हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आपका अपने यूट्यूब चैनल आरती जिंदल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक वेजिटेबल्स का ये TLM लेके आई हूँ, जिसको मैंने पजल्स के रूप में बनाया है। तो ये बच्चों को बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि जैसे सबको पता है कि पजल्स गेम बच्चों को खेलना काफ़ी पसंद होता है, और जब पजल कलरफुल होगी तो बच्चे और भी इंटरेस्ट के साथ उसको खेलेंगे। तो आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे मैंने कैसे बनाया है। तो इसके लिए मैंने वाइट पेपर पर ये वेजिटेबल्स ड्रॉ कर दी थी, और मैंने इनको कार्डबोर्ड पर पेस्ट कर दिया था। आप चाहो तो वाइट कलर की दफ्ती भी ले सकते हैं। फिर इसके बाद हम क्या करेंगे, जो भी वेजिटेबल्स हमने लिए हैं उनको हम ब्लैक कलर से आउटलाइन कर देंगे। मैंने ब्लैक कलर से आउटलाइन इसलिए किया है क्योंकि कोई भी अगर हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो उसमें अगर ब्लैक कलर से आउटलाइन करते हैं तो उसका एक लुक अलग ही होता है। करने को हम उसी कलर से कर सकते हैं, लेकिन मैंने ब्लैक से किया है। और फिर इसमें मैंने जो भी हमारी वेजिटेबल है और जिस कलर की है उसी कलर के हिसाब से मैंने इसमें कलर किया है। तो देखिए, मेरा ये कुछ इस तरीके से कलर होके रेडी है। मेरा वेजिटेबल्स का एक कलर हो चुका है, और मैंने सारे वेजिटेबल्स पर भी इसी तरीके से कलर कर लिए हैं। तो हमारी सारी वेजिटेबल्स कुछ इस तरीके से दिखाई देंगी। मैंने कुल 8 वेजिटेबल्स बनाई हैं, आप चाहो तो और भी बना सकते हैं। तो मैंने 8 का ही बनाया है, छोटे छोटे बच्चों को सिखाने के लिए इतनी ही काफ़ी होती हैं। आगे अगर बड़ा बच्चा हो जाए फिर इसको हम क्या करेंगे, सीजर की हेल्प से इसको 4 पीसेस में कट कर देंगे। पीसेस हमें ज़्यादा छोटे नहीं रखने, क्योंकि अगर पीसेस हम छोटे कर देंगे तो बच्चे को उसको जॉइंट करने में प्रॉब्लम आ जाएगी, और कटिंग आप किसी भी शेप में कर सकते हैं। इसके बाद हमारी इस तरीके से जब हम बच्चों को देंगे तो इस तरीके से वो जोड़ कर उसको देख सकता है, और हम सारी वेजिटेबल्स को 1x1 4 पीसेस में ही कट करेंगे, तो इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो हमारी सारी वेजिटेबल्स कुछ इस तरीके से कट होके रेडी हैं, और देखिए जब वेजिटेबल्स कट चुकी हैं तो कितनी प्यारी लग रही हैं, क्योंकि सारी कलरफुल हैं। अब वेजिटेबल्स कट होने के बाद अब हम बच्चे को इनको ऐसे ही देंगे तो बच्चा आसानी से इसको जोड़ सकता है, और इन वेजिटेबल्स की हेल्प से हम दो काम करा सकते हैं। बच्चों को पजल्स जोड़ना सिखा सकते हैं, साथ में बच्चों को वेजिटेबल्स के नेम भी याद करा सकते हैं। अब हमने जब वेजिटेबल्स की पजल तैयार कर ली है तो इसको रखने के लिए हमें एक बॉक्स की भी ज़रूरत होगी। तो हम उस बॉक्स को किस तरीके से बनाएंगे मैंने वो भी बताया है। तो अब हम इसका बॉक्स तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल या वर्ड, जैसे भी शेप में आपको बॉक्स मिल जाए उसी शेप में आप जिस तरीके से आपको ड्रॉ करना है आप ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने इस पर ये लिख दिया, और मैंने एक प्लास्टिक का मेरे पास ये डिब्बा था, मैंने इसको लिया। आपके पास अगर ऐसा नहीं है तो आप कार्डबोर्ड का बॉक्स भी ले सकते हैं, और इसको मैं टैप की हेल्प से और साथ में गम की हेल्प से इसको चिपका कर इसको अच्छी तरीके से ड्रॉ कर लूँगी। देखिए, मेरा पजल का बॉक्स तैयार है, और इसमें मैं सारी पजल्स को भर दूँगी। अगर आपको भी ये TLM अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना तो ना ही भूलें, और भी चैनल्स मेरे चैनल पर TLM देख सकते हैं। थैंक यू।